डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुश होने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि उनके राष्ट्रपति बनने से कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं जो भारत के हितों पर सकारात्मक से अधिक नकारात्मक असर डाल सकते हैं। ट्रंप की नीतियों और अमेरिका भारत संबंधों पर उनका दृष्टिकोण भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को प्रभावित कर सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, अर्थव्यवस्था और व्यापार। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब हो सकता है कि वे अमेरिका में नौकरियां बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों से आयात को सीमित कर दें। इससे भारतीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। H-1B वीजा पर कड़ी नीतियों का असर भारत के IT पेशेवरों पर पड़ सकता है, जिससे अमेरिका में काम करने के अवसर कम हो सकते हैं। तीसरा, वैश्विक संबंध। ट्रंप की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ उनकी अनिश्चितता भरी रणनीतियां वैश्विक स्थिरता के लिए चुनौतियां बन सकती हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका से कुल करीब $42.2 अरब यानी करीब 3,55,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा, जबकि भारत ने इस दौरान अमेरिका को 6,52,000 रुपए कीमत का सामान बेचा। साल 2017 से 2021 तक ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में काफी तरक्की देखी गई, खासतौर से रक्षा संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के मामले में। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया था। इसी साल अगस्त में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स रेट्स की आलोचना की थी। दरअसल साल 2019 में जब ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी चीजों पर मोटा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ट्रंप सरकार ने भारत को स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। फिर ट्रंप ने भारत को व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था से बाहर कर दिया। इस फैसले से भारत कई सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था। ट्रंप की जीत से जुड़े इन मुद्दों पर विचार करना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि उनकी राष्ट्रपति पद की नीतियां हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कैसी साबित हो सकती हैं। हालांकि आपकी इन चीजों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।